अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ नौशीन हुसैन और इस वक्त मौजूद हूँ बुकारेस्ट के म्यूज़ियम ऑफ एंथ्रोपोलॉजी में। यहाँ मैं इस वक्त बाहर इसके बरामदे में मौजूद हूँ और मैंने यहाँ ये टिकट ऑफिस है, मैंने यहाँ से टिकट लिया है। ये है मेरा टिकट जो कि 5 लीरा का है। ये टिकट है, ये 5 लीरा का है। और उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप स्टूडेंट हैं या नहीं, तो स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर रेट्स डिफरेंट हैं और बाकी जो है स्टूडेंट्स जो नहीं हैं उनके लिए रेट्स शायद बिल्कुल डिफरेंट होंगे। तो बहरहाल मुझे तो फ़ायदा हुआ है। और ये यहाँ के तमाम म्यूजियम्स में ऐसा ही है, स्टूडेंट्स के लिए रेट्स डिफरेंट हैं। मुझे पता नहीं है अंदर जाने के लिए क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, लेकिन बाहर जितना खूबसूरती से बनाया गया है और जो एम्बियंस बाहर मुझे मिल रहा है, मुझे लगता है अंदर भी खूबसूरत ही होगा और ये अच्छा एक्सपीरियंस होगा म्यूज़ियम ऑफ एंथ्रोपोलॉजी विज़िट करने का। वहाँ पर भी एक स्टैच्यू है और चूँकि पतझड़ का मौसम है, जगह जगह पत्ते दरख्तों से गिरकर यहाँ नज़र आ रहे हैं और ये बहुत खूबसूरत मंजर लग रहा है। और चलते वक्त भी जो पाँव में आवाज़ आ रही है पत्तों की, तो एक अलग ही खूबसूरती है उसकी। ये देखें ये पत्ते गिर रहे हैं, ये देखें। अच्छा, यहाँ पर 2 लैंग्वेजेस हैं। अब टिकट चूँकि आ चुका है इसलिए म्यूज़ियम के अंदर का रुख करते हैं। बच्चे भी यहाँ पर हैं, खेल कूद रहे हैं। और एरो के ज़रिए यहाँ डायरेक्शंस हैं और बिलियेट कहते हैं टिकट को। कुछ वर्ड्स जो इटालियन में हैं वो मुझे यहाँ पर भी वैसे ही नज़र आ रहे हैं। और मैं आपको बाहर से बिल्डिंग दिखा दूँ, अब अंदर चल के देखते हैं क्या है और कैसा है। और यहाँ पर भी इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन है और ये है द म्यूजियम ऑफ एजेस फ्रॉम चाइल्डहुड टू सेंसी। गन्स, हर तरह की तलवार, स्वॉर्ड्स, राइफल्स, अच्छी डिजिटली मैनेज किया गया है, ऊपर लिखा हुआ भी है। लीरा कमोबेश एक यूरो बनता है, तो इस लिहाज से टिकट तो एक्सपेंसिव नहीं है। ये आई थिंक शाही लिबास है। यहाँ लिखा हुआ है मगर वो रोमानियन में है, इसलिए मैं ये पढ़कर बता नहीं सकती हूँ कि ये चीज़ें क्या हैं। ढेर सारी क्रॉकरी है ये। अच्छा, यहाँ गाइड नहीं है और म्यूज़ियम में इस वक्त कोई और है भी नहीं, इसलिए मैं बड़े फुर्सत से तसल्ली से इन सब चीज़ों को देख सकती हूँ। लैंप लग रहा है बहुत पुराने दौर का ये। ये टेलीविज़न, इससे याद आया ऐसा डब्बा टेलीविज़न दादी के पास हुआ करता था, वो सदियों चलता था। वो अलग बात है, आज के LEDs और LCDs की लाइफ बहुत कम होती है, हार्डली ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। और ये सारा आई थिंक मीडिया, जी ये मीडिया रिलेटेड है। देखें ये जिस तरह मीडिया इवॉल्व हुआ है विद टाइम,
मुझे तमाम आलात के एग्जैक्ट नेम्स तो नहीं पता, सीम्स लाइक अ बिग रेडियो। और अब हमारे पास मोबाइल में तमाम चीज़ें होती हैं। जी ये देखें, ये पेपर और टाइपराइटर और मोबाइल फ़ोन्स ओल्ड वर्जन बिफोर एंड्रॉइड, और ये खतूत भेजे जाते थे। ये कम्युनिकेशंस का सेगमेंट लग रहा है। क्लोजिंग डिस्टेंस, जी बिल्कुल, यहाँ से इस पर शायद क्लियर नहीं है क्योंकि ये ब्लैक है, तो इस पर लिखा है क्लोजिंग डिस्टेंस। ये तमाम कम्युनिकेशन के वो आलात हैं जिनसे इंसानी रबता बेहतर से बेहतर होता चला गया वक्त के साथ साथ। देखते हैं आगे दूसरे कौन से सेगमेंट्स हैं यहाँ पे। बताई हूँ फर्स्ट फ्लोर पे, और ये एंट्रेंस पे ही बहुत बड़ी सी एक चीज़ रखी गई है, कहेंगे कि एग्जैक्ट ये मैं नहीं बता पाऊँगी। अच्छा, यहाँ पर बैठने के लिए अगर कोई यहाँ बैठ के पूरी डॉक्यूमेंट्री देखना चाहे उसका भी इंतज़ाम है। इससे मुझे इस्तांबुल एयरपोर्ट का म्यूज़ियम याद आ रहा है, वहाँ पे भी इसी तरह से था। मैप्स हैं अगर कोई ज्योग्राफी में दिलचस्पी रखता है। लाइफ एट होम इन 1900, जी पिछली सदी में ज़िंदगी किस तरह से गुजारी जाती थी। ये शायद रोमानियन कल्चर के लिहाज से है, हर सदी को शायद रिप्रेजेंट किया इन्होंने कि उसमें लिबास, रहन सहन का तरीक़ा और जो है कम्युनिकेशन के टूल्स किस तरह होते थे। लाइफ एट होम ड्यूरिंग द इंटर वॉर पीरियड, ये जंग के दौर की कहानी है। अच्छा, रोमानिया में बहुत ज़्यादा जंगें रही हैं। खाना जंगी बहुत रही है रोमानिया में। ये खूबसूरत सा लग रहा है मुझे। ये आई थिंक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, जी ये मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स ही है। अच्छा भाई, तो इस वक्त मैं आई हूँ म्यूज़ियम के बेसमेंट में, अंडरग्राउंड पार्ट में, और यहाँ आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स हैं और उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है वक्त के साथ साथ वो किस तरह से इवॉल्व हुए। अभी तक 3 फ्लोर्स तो मैं देख चुकी हूँ इस म्यूज़ियम के, छोटा सा है और लेकिन अच्छा है। अच्छा भाई, ये सेंटर में जो चीज़ें रखी गई हैं, यहाँ क्या है, आर्टिस्टिक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ केव पेंटिंग्स फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द यूरोप। भाई ये रिकंस्ट्रक्ट की गई हैं केव पेंटिंग्स को, ये बताने के लिए कि किस तरह से पेंट किया जाता होगा। इंटरेस्टिंग।